रामगढ़ उपचुनाव की काउंटिंग जो है वो 8:30 बजे से ही शुरू हो गई थी और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट की अगर बात करेंगे तो आजसू जो है वो लीड कर रहा है और जिस तरीके से लगातार विधानसभा में मंत्री और विधायकों से जब इसको लेकर के सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस जो है वो अभी पीछे चल रही है, आजसू जो है वो लीड पकड़ी हुई है, तो इसको लेकर के सीधे सुनिए विधायकों और मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है। अभी पहला है ना, और अंतिम में हम ही लोग का है, अंतिम में हम ही लोग का है। कौन कौन देखा हो उन लोग को बोलने दीजिए ना, फिर उनका भी चेहरा सूखने लग जाएगा। सर, जो कैंडिडेट है वो काफी पीछे चल रहा है कांग्रेस का, जो कैंडिडेट है पीछे ज्यादा नहीं, एक राउंड का पीछे है ना, दो राउंड का नहीं, 12,000 मतों से तीसरे राउंड, जितना भी हो 40 टेबल है ना, ये भी शुरू हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। हाँ, परिणाम आ गया क्या? नहीं, परिणाम का इंतजार करिए। हाँ, तो परिणाम आने दीजिए ना, आपको सबसे ज्यादा खुश देख रहे हैं, आप सबसे ज्यादा खुश देख रहे हैं, 12,000 से पीछे चल रहे, परिणाम आने दीजिए। अभी परिणाम में काफी अभी विलम्ब है और आप देखिएगा कि कैसे बदलाव होंगे। ठीक है, अभी अभी तो सारे बूथ नहीं खुले हैं, तो थोड़ा समय दे। आपको उम्मीद है? हम लोग पॉजिटिव होके चलना चाहेंगे। जनता पॉजिटिव नहीं है ना आपके लिए? जनता अभी मैंने जैसे कहा ना, पूरे बूथ से अभी खुलना बाकी है, तो थोड़ा समय दे, 12 बजे तक हम लोग देखते हैं क्या नतीजा होता है। चुनाव प्रचार में तो आप गई थी, आपको गांव से उम्मीद है कि आप कह रहे हैं कि शहर का है, गांव खुलेगा तो बदल जाएगा? हाँ देखिए, बिल्कुल गांव में हम लोग डुमली प्रखंड सब में प्रचार किए हैं, वहां पे जो रुझान था लोगों के बीच में ऐसा था कि वो ममता देवी की तरफ है, तो अभी तो आने वाला समय ही बताएगा उस चीज को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैंने कहा कि एक भूल हुई थी दोनों दलों से, और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने भी भुगता, आयसू ने भी भुगता, और राज्य की जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस भूल का सुधार हम लोगों ने कर लिया है, और 2024 में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और आसू गठबंधन की सरकार बनने से रोक सकती है। तो आपने यहाँ पर विधायकों और मंत्रियों को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी कुछ ही राउंड हुए हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, इंतज़ार करें, तमाम चीज़ें जो है वो देखने वाली होगी, और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि 12 बजे के बाद जब और जगहों के जो बॉक्स है वो जब खुलेंगे तो कई सारी चीज़ें और स्पष्ट होती हुई नज़र आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आजसू जो है वो लीड बनाई हुई है। अब देखना यह है कि आखिर जीत जो है वो किसके पाले में आती है। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।